बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 के हमने न्यूमेरिकल पहले हल कर लिए थे, आज चैप्टर नंबर 10 को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। वाटर एट 20 सेंटीग्रेड फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 554 मीटर। बच्चों, न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, तो मैं रीड करता हूँ। इफ द होल एनर्जी यूज इंक्रीज द टेम्परेचर, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 42 जूल केल्विन केजी। हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ट्वेंटीन सेंटीग्रेड, हाइट है इसकी 854 मीटर, और स्पेसिफिक हीट है सी इक्वल टू 4200 जूल केजी केल्विन। तो मालूम हमने क्या करना है, प्रूफ T2। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम अपने। लॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन ऑफ हीट। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है mgh के, गेन ऑफ हीट आपको पता है, चैप्टर में आपने पढ़े, इक्वल टू डेल क्यू के mgh डेल क्यू इक्वल mc डेल टी। पहले आप अपने टेम्परेचर को चेंज कर लें केल्विन में, प्लस 273 करेंगे आप, तो ये इक्वल आ जाएगा 293 केल्विन। यहाँ पे आप एम से काट दें, gh इक्वल टू सी डेल टी, डेल टी इक्वल है T2 माइनस T1। gh इक्वल टू mc T2 माइनस T1। जी वैल्यू आपकी 9.8, हाइट है आपकी 854, मास है एम आपका, ओके एम तो काट गया आपका, सी है आपका 4200, T2 मालूम करने, T1 आपका इक्वल है 293। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों आपका आ गया 8369.2 डिवाइडेड बाई 4200 प्लस 293 इक्वल टू T2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 2 प्लस 293 इक्वल आ जाएगा 295 केल्विन। क्या आपका T2 की आपकी वैल्यू आ गई है,
इसको आप सेंटीग्रेड में अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप 295 में से माइनस करेंगे 273, तो ये फिर आपका रह जाएगा 22 सेंटीग्रेड। ये था आपका पहला नुमेरिकल, इसको आप काइनेटिक एनर्जी से भी हल कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नुमेरिकल नंबर टू, चलते बच्चे अपने दूसरे नुमेरिकल की तरफ। 25,200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम व्हाइल द सिस्टम डज 6,000 जूल ऑफ वर्क, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हीट है डेल क्यू इक्वल टू 29,200 जूल, वर्क डन उसने आपको दिया है इसमें 6,000 जूल, और आपसे मांगा गया इसने एनर्जी सॉल्यूशन है इसका। डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू आपने फाइंड आउट करने है, डेल यू इधर ही रहने दें, इसको उठा के आप इधर ले, डेल यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू आपका 29,200 माइनस डेल डब्ल्यू आपका 6,000, यह आपका आ जाएगा 23,200 जूल एनर्जी। बल्कि ये आपका 25,000 था 200, तो इसका आंसर आपका आ गया 19,200 जूल। चलते अपने तीसरे नुमेरिकल की तरफ। 1 sample of ideal gas is uniformly heated at the constant pressure at the amount of 180 joule of heat supply to the gas. Amount of heat आपको पता है, डेल क्यू इक्वल है 180 joule. कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, वर्क डन ऑन द गैस गामा इक्वल टू 1.41, और आपने मालूम क्या करना है इसमें, आपने दो चीज़ें मालूम करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन डेल यू और डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू से पहले आपको डेल यू मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद डेल डब्ल्यू मालूम करना पड़ेगा। आपको आपको फार्मूला पता है, अल्फा इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, सी वी को आप उठा के चले आए, सी पी इक्वल टू गामा सी वी, गामा सी वी सी पी एन डेल टी इक्वल टू 180 के इक्वल है। तो आप इसको डेल यू के इक्वल कर दें, डेल यू इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय अल्फा, 180 अल्फा आपका 1.41 के इक्वल है, 1.41 को आप डिवाइड कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 1.41, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 127.6
डेल यू आपका इक्वल आ जाएगा 127.6 जॉब। अब आपने मालूम करना है डेल डब्ल्यू, वही फार्मूला डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू इक्वल डेल क्यू माइनस डेल यू। डेल क्यू की वैल्यू आपके पास 180 है माइनस 127.6, 180 को माइनस करें 126 से तो आपका आंसर आ जाएगा 52.3। डेल डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा 52.6 जो। ये थी आज की वीडियो बच्चों, जो चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।